आम और गर्मियों के मौसम का मेल ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बना हो। इसकी मिठास और रसीला स्वाद और साथ में स्वाद से जुड़े कई सारे लाभ खुद ही बता देते हैं कि आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है। मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो या आम आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण फल माना जाता है। यह जीनस मेंजीफेरा और एनाकार्डियासी परिवार से संबंधित है जिसकी विभिन्न प्रजातियां होती है। आम के पेड़ की छाल, लकड़ी, मंजरी सबके अपने अपने महत्व है। आयुर्वेद के जानकार ने बताया कि मंजरी से लेकर आम बनने तक, फिर इसके पेड़ की छाल व लकड़ी तक के अपने अपने औषधीय गुण है। मंजरी की सुगंध जहां आदमी को वसंत ऋतु की याद दिलाती है। भारतीय समाज में धार्मिक अनुष्ठान एवं संस्कारों में इसके पत्ते व लकड़ी का काफी महत्व है। वहीं इसके कच्चे व पक्के फल का अलग औषधीय गुण भी है। विशेषज्ञों के अनुसार कच्चा आम खट्टा, कसेला, वात एवं पित्त उत्पन्न करता है, तो वृक्ष पर पका आम यदि चूसकर सेवन किया जाए तो इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। इसमें ए और बी नामक विटामिन भी पाया जाता है। इसके सेवन से विष प्रकोप, कीटाणु नाशक और चर्म रोग नाश होता है। इसके सेवन से रतौंधि रोग भी दूर हो जाती है। इसकी छाल उत्तम संग्राहक और गर्भाशय के रक्त स्त्राव को रोकती है। इसकी गुठली के चूर्ण सेवन से कृमि का नाश होता है। यह रक्त संग्राहक है। मंजरी चूर्ण को मिश्री व दूध के साथ सेवन करने से रक्त की शुद्धि, चर्नी रोग, कर्णशूल व नक्सिर में फायदा होता है। इसके छाल को पीसकर शहद के साथ सेवन से अतिसार, सुजार, वमन में लाभकारी होता है। इसके पत्तों का उपयोग दंत मंजन, जलने, पथरी में लाभकारी है। आम के छिलके को पीसकर इसमें नीम की पत्ती मिलाकर चेहरे पर लेप करने से कील, मुहासे, जाइयां दूर होकर चेहरा कांतिमान बनता है। आम के सबसे बड़े उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है। आम के प्रकार, वैसे तो दुनिया भर में आम की 400 से ज्यादा किस्म है, लेकिन उन सभी के बारे में बताना संभव नहीं है, इसलिए हम आम की सबसे प्रसिद्ध प्रजातियों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि रत्नागिरी का अल्फांसो, कर्नाटक का बादामिया, लखनऊ का दशहरी और गुजरात का केसर। आम खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि मेंजीफेरिन और ग्लूकोसिल जेथॉन भरपूर मात्रा में होते हैं। आइए आम के कुछ और लाभ के बारे में जानें। आम के बारे में इतना कुछ बताने के बाद बारी आती है इसके फायदे जानने की। हम आपको आम के गुण के बारे में बता रहे हैं। इनके बारे में जानने के बाद आपको आम का स्वाद पहले से और ज्यादा मीठा लगने लगेगा। क्या आम आपकी सेहत के लिए अच्छा है? एक ऑस्ट्रेलियन अध्ययन में आम को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है, क्योंकि इसके कुछ बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आयोवा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है, आम में बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में कारगर है। आम में लगभग 20 विभिन्न खनिज और विटामिन होते हैं जो इसे सबसे अधिक पोषक तत्व युक्त फलों में से एक बनाता है। आम कई बीमारियों जैसे कैंसर,
सूजन, हृदय संबंधित समस्या और अन्य तरह की परेशानियों से बचाव कर सकता है। यही कारण है कि आम के कई गुण हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए आम के फायदे। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का सही होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मौसम बदलने से या धूल मिट्टी के कारण आसानी से शरीर संक्रमण का शिकार हो जाता है। इसलिए आम को अपने डाइट में शामिल कर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में विटामिन सी काफी मदद करता है और आम विटामिन सी से भरपूर है। भारत के राजस्थान में किए गए एक अध्ययन के अनुसार विटामिन सी एलर्जी की समस्या को कम करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसलिए इसका सेवन न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि अपनी सही सेहत के लिए भी करें। कोलेस्ट्रॉल के लिए आम के फायदे। जिन्हें कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचना है वो भी आम का सेवन कर सकते हैं। आम में प्रचुर मात्रा में न्यूट्रासिटिकल मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन में चूहों पर मेंजीफेरिन का प्रयोग किया गया जिससे उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो गया। यह एचडीएल उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। दिमाग के लिए आम के फायदे। अगर आम खाने के फायदे देखे तो आम दिमाग को तेज रखने के लिए और याददाश्त को मजबूत करने में भी मदद करता है। आम में मौजूद बायो एक्टिव घटक दिमाग को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक अध्ययन से साबित हुआ है कि आम के अर्क में कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे याददाश्त तेज होती है। वही थाईलैंड में हुए एक अन्य अध्ययन में आम में न्यूरो प्रोटेक्टिव गुण होने की पुष्टि की गई है। गर्मी से बचाव के लिए आम के फायदे। ये तो सभी जानते हैं कि आम गर्मियों के मौसम का फल है। यह शरीर को गर्मी में चलने वाली गर्म हवा यानी लू से बचा सकता है। गर्मी के दिनों में पके आम का जूस पीने से गर्मी प्रकोप से बचा जा सकता है, क्योंकि यह न सिर्फ शरीर को ताजगी देता है बल्कि हाइड्रेट भी करता है। इसके अलावा कई लोग लू लगने से और बुखार आने से कच्चे आम को उबालकर शरीर पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर ठंडा हो सकता है। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए पके आम के अलावा कच्चे आम का पन्ना या रस भी पी सकते हैं। डायबिटीज के लिए आम के फायदे। मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीज कई चीजों को खाने से कतराते हैं। खासकर आम को लेकर उन्हें उलझन रहती है कि वो उसे खाए या नहीं, तो हम इस उलझन को दूर करते हैं। डायबिटीज में कुछ हद तक आम का सेवन किया जा सकता है। मोटे लोगों में डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। मोटापा से ग्रस्त 20 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 12 सप्ताह तक ताजे आम के आधे भाग के सेवन से रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार आम में फाइबर और मेंजीफेरिन होता है। इतना ही नहीं, एक अन्य अध्ययन में साबित हुआ है कि आम के छिलके के अर्क में एंटी डायबिटिक गुण होता है। इसके अलावा मोटापा से ग्रस्त लोगों में टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को भी कम किया जा सकता है।
क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होता है जो ब्लड ग्लूकोज के स्तर में सुधार करते हैं। इतना ही नहीं, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरे को भी कम किया जा सकता है। ऐसे में मधुमेह रोगी अपनी स्वास्थ्य स्थिति और शुगर लेवल के अनुसार डॉक्टरी सलाह के बाद आम को आहार में शामिल कर सकते हैं। खून की कमी यानी अनीमिया में आम के फायदे। सही खानपान न होने से और शरीर को जरूरी पोषक तत्व न मिलने से खून की कमी की समस्या हो सकती है। ऐसे में आम का सेवन लाभकारी हो सकता है। सिर्फ आम नहीं बल्कि आम का फूल भी खून की कमी में काफी फायदेमंद है। आम कई तरह के पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है। आम में मौजूद विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद कर सकता है और अनीमिया की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। आम हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। आम फाइबर और विटामिन ए, B6, सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, आयरन और फॉलिक एसिड जैसे अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है और इस प्रकार हड्डियों के फ्रैक्चर को रोक सकता है। आम के गुण। आम में वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध कई सारे गुण होते हैं। इनमें से कुछ गुणों के बारे में बताया गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। यह एंटी कैंसर एजेंट के रूप में काम करता है। इससे मधुमेह यानी कि एंटी डायबिटिक गुण होता है। इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण होता है। इसमें एंटी एजिंग गुण होता है। आम के दुष्प्रभाव। आम खाने से कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है। आम की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें खाने से कुछ लोगों को गले में दर्द या एलर्जी यानी कि पेट दर्द, छींक आना और नाक बहने की समस्या हो सकती है। ज्यादा आम खाने से पेट में दर्द, अपचन और दस्त जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या हो सकती है। हालांकि अगर आप आम से किसी तरह की कोई एलर्जी होती है तो इसे खाना बंद कर दे और तुरंत अपने डॉक्टर या आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें जिन्होंने आपको आम खाने की सलाह दी है। वे आपके लक्षणों के हिसाब से आपको सही सलाह देंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।